बाबा जी बीजे सांपला जी गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन आए थे, उन्होंने किसानों ने विरोध किया, तुहाडे बारे भी कुछ लफ्ज बोले कि बाबा जी ने बुलाए ने, उन्होंने बारे की कहना होगा? देखो सब तो पहली गल तो यह है कि श्री विजय सांपला जेडे ने भारत के एक संविधानक अहदे ते ने, वो किसी पार्टी का अहदा नहीं है, वो संविधानक अहदा है, वो एससी कमीशन के चेयरमैन ने पूरे इंडिया के, तो जिहड़ियां एससी नूं दलित भरावां नूं पूरे इंडिया दे विच मुश्किलां आ रहियां, उहदे संबंध विच उह सिख संस्थावां दे नाल दूसरियां संस्थावां दे नाल आगूआं दे नाल गल्लबात उह पिछले दिनां तों कर रहे आ। पिछले दिनी उह श्री अकाल तख्त साहिब ते भी गए, उन्हां ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल भी मुलाकात की, अखबारां 'च आया, टीवी चैनलां ते छपिया, किसी ने उन्हां दा उत्थे विरोध नहीं किया। वह इत्थे भी गुरद्वारा साहब मत्था टेकण ते मेरे नाल गल्लबात, मैं भी हुण हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख सेवादार हाँ, जिहड़ियां हरियाणे दे विच जिहड़ियां दलित भरावां नूं मुश्किलां आउंदियां उहदे संबंध विच मेरे नाल डिस्कस करनी, कोई गल्लबात करनी, उहदे वास्ते उह आ रहे सी। पहली गल तो यह गुरु घर आउण तों किसी नूं रोकिया नहीं जा सकदा, धार्मिक आजादी ते किसी दे डाका नहीं मारिया जा सकदा। संयुक्त मोर्चे वल्लों भी कहा गया कि किसी धर्म स्थान ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनी रकाबगंज साहब मत्था टेक के गए, उन्हां दा सन्मान भी किया गया दिल्ली दे विच, उत्थे तां दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी आ, नाले जिन्हां ने विरोध किया उन्हां दी उह कमेटी आ उत्थे, इत्थे बादल दल दे आगूआं ने विरोध किया, जिहड़ा बादल दल दा सिरसे जिले दा प्रधान है उसने इत्थे विरोध किया आ के विजय सांपला जी दा, उत्थे दिल्ली दे विच तां उन्हां ने सन्मान किया बादल दल ने, इत्थे कोई किसान यूनियन होर नहीं आई, किसी किसान यूनियन ने विरोध नहीं किया, बादल दल दा जिहड़ा जिला सिरसे दा आगू आ जिहने अपनी यूनियन बनाई आ, और बलात्कार दे परचियां दे विच जिहड़ा रिहा FIR वायरल होईयां ने, और 420 जिहदे दे उत्ते उह बंदा अज किसानां दे नां दे उत्ते जिहड़ा हैगा उह वगदी गंगा च हत्थ धो रिहा, किसानां नूं गुमराह कर रिहा, और पिछले दिनी उहने किसानां नूं गुमराह कीता जिहड़ा सरसे दे विच FIR दर्ज होई सी, उस नूं कहा सी कि बिना शर्त असीं बंदे रिहा करावांगे, भुख हड़ताल भी उहने अपने चाचे दी रखाई सी उत्थे, पर बाद विच उहनां दीआं जमानतां करा के किसानां नूं धोखे च रखिया कि मैं तां बिना शर्त रिहा कीते आ, ते बाद विच उह जमानतां 4 दिनां बाद सारीआं जमानतां सामणे आ गईआं कि उन्हें लैण देण करके जिहड़ा सीगा सारा कुछ करके उस बादल दल दे प्रधान ने ते उन्हां दीआं जमानतां कीतीआं, वकील भी रोहतक तों लिआंदे, सो इस तरह यह जाति विरोध जिहड़ा सीगा उह बंदा जिहड़ा कर रिहा सी बादल दे कहण दे उत्ते। श्री विजय सांपला इक संविधानक अहुदेदार आ, उह किसे पार्टी दे अहुदेदार नहीं आ, ते जिहड़ियां दलतां नूं दलित भरावां नूं मुश्किलां आ रहीआं ने थां थां ते पंजाब हरियाणा भारत दे विच, उहदे संबंध विच उह सिख आगूआं नाल दूजे गैर सिख आगूआं नाल भी मुलाकातां कर रहे, इसे संबंध च ही उह मेरे कोले आ रहे सीगे, उन्हां नूं संगतां ने रोक लिया, वह वापस चले गए, कोई विरोध का तो मतलब ही नहीं बनता सी, पहली गल तो उन्हां नूं रोकना जिहड़ा सी गलत, मैं भी किसानां दे नाल असीं किसानां वास्ते जदोजहद कर रहे हां कि किसान और केंद्र दी गल्लबात चल के मोर्चा जिहड़ा हैगा उह सफल होवे फतेह होवे, उहदे वास्ते असीं पिछले दिनां च जदोजहद कीती तुहाडे सामणे आ, हुण वी साडी गल्लबात जारी आ कि किसानां दी ते केंद्र दी गल्लबात शुरू होवे तां कि जिहड़ा मोर्चा किसे कंडे वट्टे लगे, पर जिहड़े बादल दल दे अहुदेदार आ इह रोटियां सेकदे आ, इहनां ने अज वी जिहड़ा कीता सिर्फ ड्रामेबाजी, कुझ नशे वाले बंदे सीगे जिहड़े नशियां दा वपार करदे, मैं नशियां दे खिलाफ प्रचार करदा तां उह नशियां वाले जिहड़े सी कुछ नाल लगे होए सी, किसान थोड़ी सी, जिहड़े किसान ने कुझ किसानां नूं गुमराह कीता गया, किसानां दे नाल मैं आ, किसानां दे विच मैं रोज़ रहिंदा, रोज़ मेरे कोल किसान आउंदे आ, सो इह जाण बुझ के बादल दल दे आगूआं ने जिहड़ा विरोध कीता। दूसरा मैं समझदा किसे वी गुरद्वारे आउण दे उत्ते गुरू घर मत्था टेकण दे उत्ते जिहड़ा हैगा कोई पाबंदी नहीं है, इत्थे कोई प्रोग्राम नहीं सीगा, इत्थे कोई फंक्शन नहीं, कोई रैली नहीं, कोई जनसभा नहीं सीगी, जे कोई विरोध भी करना किसी जनसभा दा रैली दा कीता जा सकदा, व्यक्तिगत किसी नाल कोई मिलाप करदा जां गुरू घर मत्था टेकदा उहदा तां विरोध कीता ही नहीं जा सकदा, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਗਡਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੇਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣੀ ਔਰ ਫੇਮ ਲੈਣੀ, ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਚਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।